ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहां तुरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहां पर हो न कभी गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों पुराणों और शास्त्रों में जिस एक शक्ति को परम शक्ति माना गया है वो है गुरु। ये तो भारत का हर तीर्थ महान है, लेकिन सबसे महान तीर्थ है पुष्कर, क्योंकि ये सभी तीर्थों का गुरु है। पुष्कर इस धरती का अकेला तीर्थ है जहाँ साक्षात ब्रह्मा जी का वास है, और सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन के बिना भला कोई धर्म यात्रा कैसे पूरी हो सकती है। की वंदना से बढ़कर कोई शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। तीर्थ गुरु पुष्कर को हमारा शत शत प्रणाम। एक बार ब्रह्मा जी ने 33 करोड़ देवी देवताओं की तृप्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शंकर से यज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान बताने का अनुरोध किया। भगवान शंकर ने क्षीर सागर से कमल का पुष्प लेकर ब्रह्मा जी को दिया और कहा, सातों लोकों में जहां भी ये पुष्प गिर जाए वही इस महान यज्ञ की यज्ञ भूमि होगी। ब्रह्मा जी के हाथ से वो कमल का पुष्प भारत की मरुथल नामक स्थान पर जा गिरा। पुष्प ब्रह्मा जी के हाथ यानी कर से गिरा था, इसलिए इस पावन भूमि का नाम पुष्कर हो गया। पुष्प गिरने से यहाँ एक सरोवर बन गया जो कि पुष्कर सरोवर कहलाया। पांच सबसे पवित्र सरोवरों में से एक है। इस सरोवर का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु की इच्छा और ब्रह्मा जी के हाथों से हुआ है, इसलिए पुष्कर की बूंद बूंद में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का वरदान है। भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री दशरथ का श्राद्ध किया था। युग बदल गया लेकिन मान्यताएं आज भी वही हैं। आज भी पुष्कर के घाट न जाने कितने रीति रिवाज और परंपराओं से जुड़े हैं।
जन्म या विवाह के संस्कार हों या स्नान और ध्यान का पुण्य, पुष्कर के घाटों पर हर दिन एक उत्सव है। शांति के लिए यहाँ शुभकामना पूजा की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस पूजा से जीवन पुष्कर के जल की तरह पवित्र और निर्मल हो जाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं जीवन को सुख और शांति विश्वाधारं गगन सदृशं इसी लक्ष्य को पूरा करती है। ये पूजा उस आदि शक्ति को नमन है जिसकी कृपा से हमारे जीवन में इतनी खुशी और इतनी शांति है। योग विद्या निगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दर्शन मन की शांति और मुक्ति के लिए वरदान है, लेकिन पुष्कर इस धरती पर ब्रह्मा जी का अकेला धाम है, इसलिए ब्रह्म उपासना का सुख सारे संसार में सिर्फ पुष्कर में ही मिलता है। अरब 7,17,02,058 वर्ष पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। युग बदलते रहते हैं, विश्वास की जोत जलती रहती है। ब्रह्म क्षेत्र पुष्कर में अभी दर्शन के लिए बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आप हमारे साथ ही रहिएगा। पुष्कर सरोवर में सूर्य की पहली किरण कुछ इस तरह पड़ती है जैसे साक्षात सूर्य देव इस अमृत कुंड में विराजमान ब्रह्मा को प्रणाम कर रहे हो। पुष्कर के दर्शन से ही जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, फिर स्नान की महिमा तो अपरंपार है। कहते हैं पुष्कर के जल में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों हर कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। सृष्टि की रचना काल चक्र का सबसे महान चमत्कार है। एक समय वो भी था जब न समय था न समय का आभास, न धरती थी न आकाश। इस शून्य से सृष्टि का निर्माण किया आदि देव ब्रह्मा ने। हमारी आंखें जो भी देखती हैं, हमारे कान जो भी सुनते हैं और हमारी इंद्रियां जो भी महसूस करती हैं, वो सब ब्रह्मा में है। Sari re sa, gari ga pa.
सृष्टि के आदि देव हैं। ब्रह्मा जी का ये मंदिर सारे संसार में इस आदि शक्ति का अकेला मंदिर है। जगत पिता ब्रह्मा की यज्ञ भूमि पुष्कर की यात्रा सातों लोकों की यात्रा है। जिसने धरती आकाश और जीवन को जन्म दिया हो, उस ब्रह्मा का दर्शन एक क्षण में सारी सृष्टि का दर्शन करने के समान है। ब्रह्मा जी ने जब 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ पुष्कर की इस पावन भूमि पर यज्ञ का शुभारंभ किया, तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, ये मृत्युलोक है, यहाँ बिना पत्नी के यज्ञ संभव नहीं। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से अपनी पत्नी देवी सावित्री को देवलोक से मृत्युलोक लाने को कहा। देवी सावित्री कुछ कारणवश समय पर ना पहुंच सकी। यज्ञ में विलंब अशुभ था, इसलिए ब्रह्मा जी ने गोप कुमारी गायत्री से विवाह कर उनके साथ यज्ञ की पूर्ण आहुति की। तब से ब्रह्मा जी और माँ गायत्री पुष्कर में विराजमान हैं। ये वो दरबार है जहाँ आठों सिद्धियाँ सर झुकाए खड़ी रहती हैं। ब्रह्मा मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा के चार रूप स्थापित हैं। पहला युवावस्था का रूप, दूसरा बाल अवस्था, तीसरा वृद्धावस्था और चौथा चिंतावस्था का रूप है, जब देवी सावित्री उन्हें छोड़कर चली गई थी। ब्रह्मा जी के यज्ञ में सारे देवी देवता पधारे थे, इसलिए ब्रह्मा जी की इस नगरी को 3.5 करोड़ देवी देवताओं के चरण पावन कर चुके हैं। आदिदेव ब्रह्मा के इस धाम में गणाधीश श्री गणेश को भी बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। पावन धरती को श्री गणेश का ही नहीं, माँ चामुंडा का भी आशीर्वाद प्राप्त है। माँ अपने भक्तों को तन और मन की शक्ति का वरदान देती है। माँ चामुंडा देवी शक्ति का रूप है, इनकी आराधना करने से शक्ति की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान जब यज्ञ कुंड से सती को ले जा रहे थे तो उनका कंगन इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए इस मंदिर को 51 शक्ति पीठों में गिना जाता है। माँ सती का तेज आज भी शक्ति पीठों में महसूस किया जा सकता है। माँ के अंगों में जो शक्ति और ज्वाला थी, वो इन शक्ति पीठों के कण कण में समाई हुई है। आस्था के तार जिससे जुड़ जाए, उसी की आराधना से मन को शांति मिलती है। इस ब्रह्मलोक में एक ओर जहाँ देवी सती और माँ चामुंडा से जुड़ी आस्थाएं हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी को समर्पित प्रार्थनाएं हैं। पुष्कर सारे देवी देवताओं को प्रिय है, शायद इसीलिए इसे तीर्थ गुरु कहते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद देव बताए। गोविंद यानी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही दिखा सकता है। तीर्थों के गुरु पुष्कर की यात्रा जारी रहेगी बस कुछ क्षणों के बाद। देवताओं के तरन तारण के लिए ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया, पुष्कर उसकी यज्ञ भूमि बन गया। भगवान विष्णु की इच्छा से कमल का पुष्प पुष्कर में गिरा और पुष्कर की धरती
ब्रह्मलोक बन गई। जब माता सावित्री यज्ञ में पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के साथ पत्नी रूप में किसी और को देखकर उन्हें अपार दुख हुआ। देवी सावित्री ब्रह्मा जी से रूठकर दूर पर्वत के शिखर पर बस गई। जो देवी सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी और सरस्वती जैसी पुत्री की माता हो, उनके दर्शनों के लिए उठा हर कदम मुक्ति की ओर ले जाता है। कहते हैं यह देवी सावित्री की आराधना करने से बरसों की सुनी गोद भी भर जाती है। ब्रह्मा जी देवी सावित्री को मनाने के लिए उनके पास आए, उन्हें अपनी विवशता समझाई, लेकिन देवी सावित्री ने उनकी एक न सुनी। देवी मां ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तीनों लोकों में उनकी पूजा केवल पुष्कर में ही की जाएगी, और तब से आज तक ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में ही पूजे जाते हैं। सृष्टि के प्राण चार वेद ब्रह्मा जी के चार मुखों से निकले हैं। इन वेदों का शब्द शब्द ब्रह्मा की वाणी है। शाम ढलते ही पुष्कर की दिशाएं ब्रह्मा जी की आरती और मंत्रोच्चारण से गूंज उठती हैं। जहां तक आंखें देख सकती हैं, जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। जहां तक कान सुन सकते हैं, उनकी महिमा की स्वर सुनाई देते हैं। से उस तीर्थ का पुण्य भी मिल जाता है। ये वो पूर्ण आहुति है जिससे अधूरा हवन भी पूरा हो जाता है।
ब्रह्मा जी के दर्शन से पुष्कर सरोवर में स्नान तक ब्रह्मा की इस नगरी में सब मंगल ही मंगल है। जैसे पुष्कर सरोवर का जल कभी नहीं सूखता, वैसे ही सृष्टि पर ब्रह्मा जी की कृपा कभी कम नहीं होती। पुष्कर की ये पावन भूमि 33 करोड़ देवी देवताओं का तरन तारण कर चुकी है। अब हमारी और आपकी बारी है, आदि देव ब्रह्मा में विश्वास रखिए। फिर मिलेंगे एक और धर्म यात्रा में। नमस्कार। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद दीप्ति भटनागर।